अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही कारगर और करामाती वजीफ़ा आपकी खिदमत से लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल से बंदा मिनटों में आपके लिए बेचैन हो उठेगा। कोई भी इंसान मिनटों में आपके लिए तड़पने लगेगा, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी में से अगर किसी मछली को निकाल दो तो मछली तड़पती है, ठीक वैसे ही वो आपके लिए तड़पेगा, आपके ऊपर मेहरबान हो जाएगा। आप उससे जो कहेंगे वो आपके लिए करने को तैयार हो जाएगा, हर वक्त अपनी जान आपके लिए देने के लिए तैयार रहेगा। यानी कि आप लोग चाहते हैं कोई ऐसा शख्स जो आपको चाहे, आपके कब्ज़े में रहे, आपके ऊपर लट्टू हो जाए, आप उससे अपनी बातें मनवा सकें। यानी कि मोहब्बत से जुड़ा कोई भी आपका मसला है, वो अगर सुलझ नहीं पा रहा है, तो आप इस अमल को ज़रूर करें और आपकी परेशानी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएगी। दुनिया के किसी भी इंसान को मिनटों में अपने कब्ज़े में करने के लिए बेहद असरदार वजीफ़ा मैं आपको बताने वाली हूँ। किसी भी इंसान पर वजीफ़ा कर सकते हैं, यानी उससे अपनी मनचाही बात आप मनवा सकते हैं। आपकी ये मुराद पूरी नहीं हो पा रही है तो फिक्र मत कीजिए, आप हमारे बताए हुए वजीफ़े को फॉलो कीजिए, अमल कीजिए, अपनी मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, वजीफ़ा ये कमाल का है, तभी ये वजीफ़ा कामयाब होगा पूरे। और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि किसी गलत मकसद के लिए, किसी बुरे मकसद के लिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, वरना ये वजीफ़ा आप पर काम नहीं करेगा। दोस्तों, इस अमल के लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लौंग चाहिए होगी। जी हाँ, आप देख रहे हैं मेरे पास एक लौंग है, लेकिन ध्यान रहे कि लौंग जो है टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस लौंग में फूल नहीं है, ऐसी लौंग नहीं चाहिए जिसमें फूल हो, आपको वैसी साबुत लौंग चाहिए होगी। इस लौंग को आप अपने दाएँ हाथ की हथेली पर रखेंगे और उसके बाद अपनी मुट्ठी को बंद कर लेंगे। मुट्ठी बंद करने के बाद आप आंखें बंद करेंगे और सिर्फ अपने महबूब के बारे में सोचेंगे, और महबूब के बारे में सोचते हुए आपको 31 मरतबा या मुजीबो पढ़ना है, और उसके बाद इस लौंग पर फूंक मार देना है। आप अपनी आंखें खोलेंगे, अपने महबूब का नाम लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद 3 बार लौंग के ऊपर फूंक मार देना है। फिर आप देखिए इस लौंग का कमाल। इसके बाद उस लौंग को अपने उस महबूब के घर के बाहर ले जा कर के फेंक दीजिए, या फिर उसकी छत या फिर उसके कमरे में फेंक दीजिए, या आपका महबूब जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पर ये लौंग पड़ी होनी चाहिए, तभी इस लौंग का असर ज़्यादा होगा। ध्यान रहे, फेंकते हुए आपको कोई ना देखे, ना आपसे कोई सवाल करे, और अगर आपने इस वजीफ़े के बारे में किसी को बता दिया तो भी इसका असर ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसका असर उल्टा हो जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जब आप ये अमल कर रहे हो तो कमरे में अकेले हो, आपको कोई देखने वाला ना हो, ना आपसे इस पर कोई सवाल जवाब करने वाला हो, आपको अकेले बैठ करके करना है। और इस नंबर पर जो आप फ़ोन करेंगे उसके बाद आपकी सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी, और जैसा आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी वैसी होगी इंशाल्लाह, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। हो सकता है आप एक नंबर की वजह से अपनी खुशियों से दूर हैं, तो इस नंबर को मिलाइए, मौलाना साहब से बात कीजिए, और उसके बाद देखिएगा कमाल, इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। आप जिससे प्यार करते हैं, वो महबूब, वो जिसे आप शादी करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा ढेर सारी आपकी ज़िंदगी में खुशियों को लेकर के। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में किसी नए अमल के साथ। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।